वेलकम बैक स्टूडेंट्स विद न्यू लेक्चर आर्टिल बायोलॉजी केमिस्ट्री पार्ट एस एल ओ नंबर 1.2.4। आज का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेट यूजिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द इंटरेक्टिंग मोल्स रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस एस टी पी एंड आर टी पी। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है इंटरेक्टिंग मोल्स का, यानी कितने मोल्स जो हैं वो इक्वेशन में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, यानी कि हमारे पास एसएलओ में क्या ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए रहा है तो हम उसी की बात करेंगे, उसमें कितने मोल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमने इस रेशियो को जो है वो पहले देख लेना है। पहला जो पार्ट वो यही कह रहा है इंटरेक्टिंग मोल्स को आप फाइंड आउट करें। तो हमें जब भी कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिली होगी तो हमें उनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे ना उन्हें हम देख कर उनकी रेशियोज़ को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें आप कोएफिशिएंट्स कौन से हैं, ये वाला है और ये वाला, यानी कि ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है, ये सबस्ट्रेट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। अब देखें इसमें 2 मोल्स इनके H2 के मिलके और 1 मोल ऑक्सीजन का मिलके हमें क्या दे रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि इंटरेक्टिंग मोल्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं रिएक्टेंट साइड के भी और प्रोडक्ट साइड के भी, यानी कि 2 मोल्स इसके प्लस 1 मोल इसका, तो हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो 2 मोल्स ऑफ H2O मिल रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट बहुत ईजी है, बस आपने क्या है सिंपल ऑब्जर्वेशन के ज़रिए अपनी जो है वो इसको फाइंड आउट करना है। जो बी पार्ट है वो है रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स का, यानी कि कितने पार्टिकल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं केमिकल इक्वेशन में और वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो अगर हम उसका देखें तो एक फार्मूला होता है पर्टिकुलर, जिस तरह से हम लास्ट क्लास में भी पढ़ कर आएँ फार्मूला, इसी तरह नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का भी ये फार्मूला है, यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स को हम अगर मल्टीप्लाई करवा दें कॉन्स्टेंट वैल्यू एन ए यानी एवोगैड्रो नंबर के साथ, ये इसकी वैल्यू है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये एन ए की वैल्यू को ही हम 6.02 × 10³ से रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन ओनली बी डिटरमिन्ड व्हेन यू हैव इंटरेक्टिंग मोल्स, यानी कि ये तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास मोल्स की वैल्यू होगी, और हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, यानी कि हमारी ऑब्जर्वेशन के जरिए हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहले वो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद यानी कि वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे जिसकी पूछ रहा है, जिस भी एटम की पूछ रहा है हम उसके वो इंटरेक्टिंग मोल्स यहाँ पर लिख देंगे और उसको इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका रिलेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 1 मोल जो है उसके अंदर हमारे पास कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 × 10³। तो सिमिलरली अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स बताओ तो हमें फार्मूला लगाए बगैर ही हम सिंपल मल्टीप्लाई करवा देंगे उसको, तो हमें पता चल जाएगा, यानी जितने मोल्स हैं उसको हम सिंपली 6.02 × 10³ से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमें रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स की वैल्यू मिल जाएगी। एग्जांपल अगर हम देखें तो ऊपर वाली इक्वेशन की भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे इस इक्वेशन में 2 मोल्स H2 हैं, यानी कि H2 को कहे अगर हमसे क्वेश्चन करें कि भाई कितने पार्टिकल्स हैं H2 के मिलकर हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर दे रहे हैं, तो हम देखें तो सिंपली यहाँ पे हमें मोलर रेशियो पता है, यानी 2 मोल्स हैं तो हम 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 6.02 × 10³ पार्टिकल्स, तो हमें पार्टिकल्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कितने पार्टिकल्स हैं उसको इसके 2 मोल्स ऑफ H2 के रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ O2 के साथ, ताकि हमें वो दे सकें 2 मोल्स ऑफ H2O। सिंपली नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स का पोर्शन भी पूरा हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, आगे जो हमें फाइंड करना है वो मास एंड वॉल्यूम फाइंड करना है एट STP, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो कि 22.4 लीटर के बराबर होता है, और RTP यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर जो कि इक्वल होता है 24 लीटर के। तो अब हम इस तवसल से हमने क्या फाइंड करना है, मास एंड वॉल्यूम। तो अगर हम मास को देखें और वॉल्यूम को तो वो एक ही फार्मूला है जिससे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो फार्मूला जो है वो है नंबर ऑफ ये फार्मूला है, यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम गिवन, जितना वॉल्यूम आपको गिवन होगा इन DM³ उसको हम डिवाइड करवा देंगे 22.4 लीटर्स। ये हम किस पे फाइंड कर रहे हैं, STP पे, किस पे, STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। और अगर हम बात करें सिमिलर यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम गिवन ऑन 24 लीटर, ये किसकी बात हो जाएगी, RTP की बात हो जाएगी, यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये फार्मूलाज तो हो गए, अब इसमें से हम मास कैसे फाइंड करें। अभी जो नंबर ऑफ मोल्स है इसका फार्मूला अगर हम देखें, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, अब यही है ये नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है, तो हम इसको इक्वल टू कर सकते हैं सेम वॉल्यूम गिवन
अपॉन 22.4 लीटर। मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो एसटीपी से ही आते हैं, तो हम उसी से सॉल्व करते हैं एग्जांपल। बस आप अगर आरटीपी का कंसेप्ट आ जाए, क्वेश्चन में आरटीपी का जिक्र आ जाए, तो आपने 24 लीटर लगाना है अपॉन में। तो यहाँ पर आप क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, गिवन मास भी फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो एसटीपी पे हो चाहे वो आरटीपी पे हो। अब यानी कि आपको मोलर मास कोई भी एटम दिया हुआ होगा उसका आपको मोलर मास पता होगा, और उसके अलावा आपको वॉल्यूम दे देगा उसका, उसके अलावा ये तो कांस्टेंट वैल्यू आपको याद होगी। तो ये तीनों चीज़ें रख के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना वॉल्यूम है, तो आपको ये गिवन मास मिला हुआ होगा मोलर मास भी, और ये वैल्यू आप रख के ईजिली इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम फार्मूला को ड्राइव करें तो फार्मूला कुछ यूँ ड्राइव होगा कि जो गिवन मास होगा, ये मोलर मास जो था नीचे, इसको हम यहाँ डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इस टर्म के साथ। तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करवा दिए तो हमें मास का फार्मूला ड्राइव हो गया। यानी अगर हमें वॉल्यूम का कंसेप्ट हो, अगर हमें सिंपल हमारे पास इक्वेशंस हैं और हमें नंबर ऑफ मोल्स भी पता है और हमें मोलर मास भी पता है, तो वो पुराने वाला जो फार्मूला था उससे हम उसका कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वॉल्यूम की बात आ जाए तो फिर हम इस फार्मूले से मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो पुराना फार्मूला मैंने बताया था वो ये कुछ यूँ था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर आपको मोलर मास पता है और आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के गिवन मास फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पर वॉल्यूम का कंसेप्ट आ रहा है, ये वॉल्यूम का कंसेप्ट चाहे आरटीपी पे हो चाहे वो एसटीपी पे हो, तो उसमें आप कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह। अगर आपको यहाँ पर आरटीपी का कंसेप्ट लाना था तो आप यहाँ 22 नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 24 लीटर, क्योंकि हमेशा याद रखें वैल्यूज आरटीपी की चेंज होती है एसटीपी की चेंज वॉल्यूम पे। एसटीपी पे जो होती है वो 22.4 लीटर होती है और आरटीपी पे 24 लीटर होती है सिंपली। तो उसके बाद अगर हम देखें वॉल्यूम का फार्मूला ड्राइव्ड, तो फार्मूला कुछ यूँ है, गिवन वॉल्यूम इक्वल टू एन इंटू 22.4 लीटर। यानी कि ये फार्मूला जो हमने खोल कर लिखा था यहाँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास, उसको हम सिंपली ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो यानी इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, चाहे वो एसटीपी पे हो चाहे वो आरटीपी पे हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने क्या सीखा, इंटरेक्टिंग मोल्स, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स, और उसके अलावा मास एंड वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका एट एसटीपी एंड आरटीपी। थैंक यू।